मध्य रेलवे पे भुसावल मंडल में नेपालीगढ़ से लेकर खांडवा के बीच स्थित सातपाटा स्टेशन के पास में कुछ डिटोनेटर्स ट्रैक पे लगाने का मामला 18 तारीख को घटित हुआ है। इस घटना में जो डिटोनेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये रेलवे के द्वारा रेगुलर काम में इस्तेमाल किए जाने वाले डिटोनेटर्स है। इन्हें पटाखे बोला जाता है और जब ये फटते हैं तब इसकी बहुत तेज आवाज होती है, जिसके चलते चालक को आगे हुए हुए ऑब्स्ट्रक्शन या धुंध और कोहरे के समय में किसी सिग्नल की जानकारी मिलती है। ये डिटोनेटर्स रेलवे द्वारा रेगुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे डिटोनेटर्स को वहां पे लगाया गया था। इन डिटोनेटर्स को उस वक्त पे सातपाटा स्टेशन के करीब लगाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन डिटोनेटर्स के लगाने के बारे में आरपीएफ के द्वारा गहन जांच की जा रही है। इसको लगाने के लिए या इसको जिस भी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है उसकी पूरी तहकीकात की जा रही है और इसके लिए सभी दृष्टिकोण से तहकीकात की जा रही है। जब भी इसके बारे में इसके आगे की जानकारी प्राप्त होगी वो सारी जानकारी सभी लोगों के साथ में साझा की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो बता दें कि हमारे सारे रेल कर्मचारी, हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चौकन्ने हैं। आपने देखा भी होगा कि वो पहले ही इन सब बातों को भांप के पकड़ लेते हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे, चाहे वो मुंबई का केस हो या बाकी का केस हो, और उसमें डिफरेंट जांच एजेंसियां एनआईएस और सिविल पुलिस बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी सभी उसमें काम कर रहे हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उनमें जल्दी कार्रवाई होगी। ऐसी भी खबरें हैं कि वो शायद रेलवे के थे, डिटोनेटर, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति ऐसा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो नहीं आई है। हाँ। तो अभी इन्वेस्टिगेशन पूरे होने दें, इन्वेस्टिगेशन में कौन सी चीज क्या है, क्या इश्यू नहीं है, तो सबकी जाँच हो। भोपाल रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट आप वहाँ जा रहे हैं देखने, तो मैम ने बोला था कि किस तरह, मतलब देखिए यहाँ से भी बहुत अच्छा फिट। देखिए हर स्टेशन भारत का आपको पता हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसके तहत, माननीय रेल मंत्री जी की सोच के तहत हर स्टेशन को अच्छे से अच्छा बना जा रहा है। डिफरेंट मॉडल सोचे गए हैं डेवलपमेंट के, उन्हीं मॉडल में भोपाल स्टेशन का भी डेवलपमेंट होगा। अभी मैं हबीबगंज वाला स्टेशन पूरा देख के आया, रानी कपला देख के बहुत खुशी हुई। मैंने एक साल पहले भी देखा था और आज भी मैं देख के आया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इनफैक्ट जो मिस्टर बंसल उसको चलाते हैं, उनकी जो टीम के मोहित हैं, उनसे मेरी बात हुई, इसी बार भी मैं उनसे मिला था और बहुत अच्छे ढंग से स्टेशन का पूरा चमक रहा है। और मैंने उनसे यही गुजारिश की ऐसे चमकता रहना चाहिए। कुछ इश्यूज यार्ड के क्लीननेस के हैं, वो हम लोगों ने आज एड्रेस किए हैं, क्योंकि हमें हर वक्त ये सोचना है कि और क्या एरिया है जहाँ पे हमको ठीक करना है। जो ठीक हो गया वो तो ठीक है ही है, जो नहीं ठीक हुआ उसको कैसे ठीक करना, उस पर हम लोगों ने चर्चा करी और उन्होंने मुझे 3 दिन का समय दिया है कि हम यार्ड को भी बहुत खूबसूरत कर देंगे। ये